जनपद मिर्जापुर के जिला कारागार का एसपी व डीएम ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान एसपी व डीएम ने बताया कि कैदियों के द्वारा 3 लेयर का बनाया जा रहा है मास्क। मास्क जो कि बाजार में जल्द ही बिकेगा और मात्र 10 रुपए में मिलेगा जनता को। लॉकडाउन के तहत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय आज जिला कारागार का निरीक्षण करने आए हैं। अब हम पुलिस अधीक्षक महोदय से जानना चाहेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय हमें बताएंगे कि कारागार में इस समय क्या प्रगति चल रही है और उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिया है। तो हम पुलिस अधीक्षक मिर्ज़ापुर से बात करेंगे 2 मिनट के लिए, उनसे जानेंगे कि इस समय जिला कारागार में कैदियों के लिए क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ कैदी कुछ बना रहे हैं जिला के अंदर, कारागार के अंदर। सर, आज आपने जिला का निरीक्षण किया कारागार का, तो कारागार में सर कैदियों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कुछ बनाया जा रहा है क्या? कैदियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात बताई गई, सैनिटाइजर, सफाई की बात, और सबसे बड़ी बात कि इनके द्वारा मास्क बनाया जा रहा है। करीब 8 सिलाई की मशीनें दी गई, उनको मटेरियल दिया गया है और एक दिन में 800 मास्क तैयार किए जा रहे हैं। जेल सुपरिंटेंडेंट साहब ने जो इसमें प्रवीण हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं, उनको लगा दिया गया है। इनकी संख्या और बढ़ेगी और इनको कैदियों के साथ साथ पुलिस पर्सनल के साथ साथ मार्केट में भी इसको सस्ते दामों पर 10 रुपये में बेचने की भी कार्रवाई करेंगे, जो कि मार्केट में 10 रुपये मिल ही नहीं सकता और 3 प्लाई 3 लेयर का बना हुआ है। लॉकडाउन के तहत सर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो बाहर से कैदी आते हैं उसके लिए आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश है? सोशल डिस्टेंसिंग की बात, सफाई की बात, सैनिटाइजर की और ये सारी चीज़ें बताई गई। ये तो लॉकडाउन के द्वारा, ये तो लॉकअप में ही है। लॉकडाउन में बाहर के लोग, अंदर के लोग लॉकअप में, तो बस इनके सोशल डिस्टेंसिंग की बात, सफाई की बात ये बताई गई। धन्यवाद सर। 5 दिन है लॉकडाउन का, आपने जिला जेल का निरीक्षण किया है, कैदियों के लिए क्या दिशा निर्देश दिया है और क्या आपको दिखा है? आज ये जो कैदियों का निरीक्षण किया गया है, इसमें 2-3 हिदायत दी गई हैं। एक तो जेलर साहब को बोला गया है कि लोगों में बराबर की दूरी रहे, वह हालांकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, जो भी अंदर और बाहर जाए तो हैंड वॉश, सैनिटेशन, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। इसके अतिरिक्त एक बहुत अच्छा कार्य हो रहा है जेल में, जो यहाँ के जेल के कैदी हैं वो अपने हाथों से मास्क बना रहे हैं, जैसा आपने देखा होगा कुछ लोग पहने हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसकी कीमत 10 रुपये रखी है। बहुत जल्दी ही इसका उत्पादन जनता के लिए भी किया जाएगा और जनता को मुहैया भी करवाया जाएगा 10 रुपये में। और यही 2-3 चीज़ें थी, इनको हिदायत भी दी गई है और आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है जेल में, 2 लोगों के लिए अगर कुछ होता है तो उनको अलग से रखा भी जाएगा। प्रेजेंट टाइम में सर जो बाहरी कैदी आते हैं उनके लिए क्या कुछ? जो बाहरी कैदी आते हैं उनको पहले तो 10-12 दिन बाहर रखा जाता है, उनको आम कैदियों के साथ मिक्सअप नहीं किया जाता है। तो जब ये बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए कि किसी तरह का संक्रमण, सब कुछ सही है, उसके बाद इनको मिक्स किया जाता है। धन्यवाद सर।